रिकॉर्डिंग है, ठीक है, ध्यान दिला देना, मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो एटी का मतलब समझ में आ गया, पीटी एसटी टीटी रेल डेप स्ट्रेजिंग, ये सारे नॉन प्रॉड एनवायरनमेंट में आते हैं, मतलब इन पे हमें अगर कोई काम करना है तो हम सीधा बोलते हैं कि भैया रिक्वेस्ट रेज कर, चाहे कुछ भी हो, कोई भी एड ऑन सर्विस चाहिए हो, यू कैन जस्ट रेज द रिक्वेस्ट। समझ में आ गया, क्लियर है अंकित? ठीक है। प्रॉड का मतलब होता है कि जैसे जो आपकी कोई वेबसाइट है, कोई आपका रनिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे एयरपोर्ट का सॉफ्टवेयर हो गया, रेलवे का सॉफ्टवेयर हो गया, टिकटिंग का सॉफ्टवेयर हो गया, और वो रनिंग है, एक्चुअल डेटा है उसमें, तो वो प्रॉड कंसिडर होगा, ठीक है, समझ गए? और ये एटी पीटी एसटी टीटी एलएल ये सारी चीजें, इसमें डमी डेटा होगा, प्रॉड का भी डेटा हो सकता है, बट इसमें डमी डेटा होगा, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा अगर उस डेटा में हम कुछ चेंज भी कर दें, बट फ्रॉड का वो डेटा एक्चुअल होगा एज एक्चुअल, उसका उसका इम्पैक्ट ये होगा कि फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, सो वेरी केयरफुल डूइंग एनी एक्टिविटी ऑन द फ्रॉड। सो फ्रॉड में हम कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमेशा चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू जाते हैं, ठीक है, और चेंज रिक्वेस्ट में क्या रहता है कि उसका एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है, सो आई कैन शो यू दीज ऑल द स्टफ, उसका फिक्स ड्यूरेशन होता है, उसी ड्यूरेशन में आपको उसको क्लोज करना होगा, कंप्लीट करना होगा, अगर उसके ड्यूरेशन के बाहर चले जाओगे तो इट्स कंसीडर एज इंसिडेंट, एज इंसिडेंट कंसीडर करेंगे, तो इससे बाहर क्यों चला जाए, उसके उसी के उसी ड्यूरेशन के अंदर करना पड़ेगा, तो इट्स अ प्रोसेस स्टेप, बट हम इस पर ज्यादा डीप नहीं जा रहे हैं, जो इसलिए बता रहा था मैं कि हम जो टिकटिंग सिस्टम आपको दिखा रहे थे आप अंडरस्टैंड कर पाओ, दैट्स अ मतलब मेरा इंटेंशन था दिखाने का, ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, ओके, स्क्रीन शेयर करो ना मेरे। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये नाम दिया मैंने डेटाबेस को, सब कुछ डिफॉल्ट रखते हैं, बस ओके कर लो। ये टेस्ट डेटाबेस सैंपल, चलो अब रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग है, रिकॉर्डिंग ठीक है, वेरी नाइस। चलो गाइस अब देखना है ध्यान से, अब मैं बिल्कुल जीरो से बताऊंगा आपको, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं डेटाबेस स्कोप्ड पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, उस दिन हमने जो लास्ट टाइम बात करी थी, कल हमने इंस्टेंस स्कोप्ड पैरामीटर डिस्कस कर लिए थे, सबको याद है, जब हमने इंस्टेंस का मतलब यहाँ पे राइट क्लिक करके सारी चीजें, कल हमने याद है सबको, याद है। अब हम बात कर रहे हैं डेटाबेस लेवल स्कोप पैरामीटर्स की, तो राइट क्लिक करना है, अगर हमें इसमें डेटाबेस से रिलेटेड कोई ऑपरेशन करना है तो वो हम राइट क्लिक करके डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो अगर हमें डेटाबेस क्रिएट करना है तो डेटाबेस पर राइट क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन न्यू डेटाबेस एंड यू कैन क्रिएट अ डेटाबेस, लेट से आज कोई डेट है, हमने कहा डीबी डेटाबेस न्यू, कुछ भी रख सकती हो, मेक श्योर नाम हमेशा यूनिक होना चाहिए, ठीक है, तो ये डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं, इसका ओनर अगर हम चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट होता है, प्लस इसमें ये नीचे हमें फाइल की डिटेल दिखा रहा है, कौन सी फाइल कहाँ जाएगी, तो अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें, नहीं हमें डी में नहीं डालना है, ई में डालना है, तो हम चाहें तो वो जा सकते हैं, लेकिन अगर हमने अगर कुछ चेंज नहीं किया तो बाई डिफॉल्ट वो सेटिंग कहाँ से उठाएगा, मास्टर डेटाबेस से, मास्टर से नहीं मॉडल डेटाबेस से, मॉडल डेटाबेस अपने आप ही इसकी सेटिंग दिखा देगा, इसकी जो सेटिंग मॉडल की होगी उसके हिसाब से इसकी सेटिंग उसमें कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी। ऑप्शंस में ऑप्शन होता है कि इसमें आपको फुल रिकवरी मॉडल रखना है, कंपेटेबिलिटी लेवल क्या रखना है, क्योंकि इसमें कंपेटेबिलिटी लेवल डिफॉल्ट उठा रहा है, कंटेनमेंट टाइप इसका क्या है, ये सारी चीज़ें हमें चाहो तो हम सेट कर सकते हैं,
कोलिजन क्या है, डिफॉल्ट का मतलब जो स्टेबल का कोलिजन होता है वो हम कोलिजन सेट कर सकते हैं। दूसरा इसमें और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डेटाबेस क्रिएट करके। तो क्रिएट सिंपल है, राइट क्लिक करके डेटाबेस का नाम दे दो और बस ओके कर दो, तो डेटाबेस अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक डेटाबेस हमने क्रिएट कर दी, DB डेटाबेस न्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, हाँ आ गया। सिंपल है ये, तो हमने किया GUI से। अगर यही काम हमें उससे करना होता है स्क्रिप्ट से, तो न्यू डेटाबेस, यहाँ डेटाबेस का नाम दे दो DB विथ स्क्रिप्ट। ठीक है, DB विथ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट चला दो, स्क्रिप्ट चलाई नहीं है, स्क्रिप्ट जनरेट कर ली। तो जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट जनरेट करी, ये देखो सारी स्क्रिप्ट अपने आप बन के आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो हम जैसे ही तो DB स्क्रिप्ट वाला स्क्रिप्ट से भी DB बन गया। तो ज्यादा क्या यूज करते हैं, GUI से बनाते हैं ज्यादा? जैसी जरूरत हो, जैसी तुम्हारी जॉब, जैसा तुम्हें कंफर्ट जोन हो वैसे बना लो। अच्छा, तो अभी हमने देखो स्क्रिप्ट वाला भी बना लिया और DB न्यू भी बना। ठीक है, अगर हमें इसको रीनेम करना है तो हम इसमें F2 दबा के इसको रीनेम भी कर सकते हैं। F2 दबा दो उस पर जाके, तो ये देखो डेटाबेस का नाम DB था, न्यू था, इसका नाम लिख दिया हमने GUI। ठीक है, ये हमने GUI से बनाया, ये स्क्रिप्ट से बनाया। ऐसे ही हमने अगर हमें इसका रीनेम करना है तो फिर से F2 दबाया, जैसे इसमें DB विथ स्क्रिप्ट बनाया है, इसको भी हमें रीनेम करना है, F2 दबाया, रीनेम कर दो डेटाबेस में DB विथ स्क्रिप्ट कर दो। ठीक है, क्लियर हो गया, दोनों चीजें आ गई, स्क्रिप्ट समझ में आ गया। कोई भी डेटाबेस, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, यू कैन सिंपली रन ऑन द स्क्रिप्ट बटन, कोई भी चेंजेस करोगे वो स्क्रिप्ट होकर अपने आप इसमें इस तरह से आ जाएगी विंडो पे, और आप उसको चला दो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं थ्रू GUI। ठीक है, आगे जब हमने ये डेटाबेस बना दिया, अब हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अभी भी MS SQL में बहुत सिंपल है, अगर आप राइट क्लिक करोगे तो डिलीट का ऑप्शन कई बार मिल जाता है मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स में। जैसे हम जॉब में अभी देखा था कि जॉब में अगर हम राइट क्लिक कर रहे थे तो डिलीट का ऑप्शन भी था। ठीक है, ठीक है, और डेटाबेस क्लिक कर रहे हैं तो न्यू डेटाबेस का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर हम यहाँ क्लिक करके न्यू डेटाबेस बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अगर हमें इस डेटाबेस पर क्वेरी चलानी है तो राइट क्लिक करके न्यू क्वेरी क्लिक करेंगे तो ये क्वेरी इस डेटाबेस के हिसाब से चलेगी, अपने आप ये वाला डेटाबेस सिलेक्ट होके आ जाएगा, हमें अलग से सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि क्वेरी हमेशा डेटाबेस स्पेसिफिक होता है। ठीक है, अब हमने राइट क्लिक करके क्वेरी अगर चलानी है तो न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो क्वेरी इस पर चला सकते हैं। जैसे ये वाली विंडो खोलेंगे तो ये खुल गई, किस पे चलेगी, क्वेरी विथ DB विथ GUI वाले डेटाबेस पे। कल हमने एक चीज और बताई थी किससे कनेक्टेड है, हम यहाँ से पता कर सकते हैं, ये देखो डेटाबेस का नाम लिखा है। ठीक है, आज हमने चीज बताई थी अगर हमें कनेक्शन चेंज करना है तो हम दूसरे सर्वर को भी कनेक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देव, देव है, देव की जगह हम दूसरा कनेक्शन डालना चाहे तो यहाँ सर्वर भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर हमें डेटाबेस की स्ट्रिंग चेंज करनी है तो यहाँ से हम डेटाबेस भी चेंज कर सकते हैं। पहले GUI था, स्क्रिप्ट वाला डेटाबेस सिलेक्ट करना है तो ये अब जो क्वेरी चलेगी स्क्रिप्ट वाले डेटाबेस पे चलेगी। तो क्लियर हो गया ये टॉगल करना डेटाबेस और इंस्टेंस लेवल का। इंस्टेंस लेवल पे चेंज करना है तो इंस्टेंस में कनेक्शन में जाके चेंज कनेक्शन करके कर लेंगे। DB लेवल चेंज करना है तो DB यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऊपर से टॉप मेनू में से, और यहाँ पे DB चेंज करने का ऑप्शन होता है तो यहाँ पे DB चेंज कर लो, किस पे आपको स्क्रिप्ट रन करानी है। सो यू कैन चेंज द स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन दैट, चेंज ऑन द DB। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें तीसरा ऑप्शन होता है स्क्रिप्ट एज ए। जैसे हमने जॉब में भी देखा था कि स्क्रिप्ट एज ए, अगर आपको क्रिएट की स्क्रिप्ट बनानी है तो क्रिएट की स्क्रिप्ट बना सकते हो, ड्रॉप की बनानी हो, ड्रॉप और क्रिएट की एक साथ बनानी है तो वो भी बना सकते हो। पहले ही वो ड्रॉप करेगा फिर क्रिएट करेगा, तो मतलब डेटाबेस को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हमें हमें टास्क कोई करना है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टास्क। अगर हमें इसमें डेटाबेस लेवल पर कोई टास्क करना है तो हम टास्क पे जाएंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है टास्क में, बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हो ना आप लोग, डिटैच, टेक ऑफलाइन, ब्रिंग ऑनलाइन। अगर हमें डेटाबेस को ऑफलाइन करना है तो हम टेक ऑफलाइन कर देंगे तो डेटाबेस क्या दिखाई देगा हमें, देखो ऑफलाइन हो गया, दिख रहा है। हाँ, हमने इसको ऑनलाइन कर, राइट क्लिक करूंगा, ऑनलाइन टास्क में जाऊंगा, ब्रिंग ऑनलाइन। जब ऑनलाइन होगा तो ऑफलाइन वाला ऑप्शन इनेबल होगा, सॉरी जब ऑफलाइन होगा तो ऑनलाइन वाला ऑप्शन अनेबल होगा, जब ऑनलाइन होगा तो ऑफलाइन वाला अनेबल होगा। ठीक है, वाइस वर्सा। अगर हम इसको ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया, हो गया।
गया। अगर हमें यही काम हमने कहा डायरेक्ट नहीं करना, हम ऑफलाइन की जगह इसकी स्क्रिप्ट भी जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको इसकी स्क्रिप्ट पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन स्क्रिप्ट ये होती है, देखो मैं चला रहा हूँ ये स्क्रिप्ट चलाने के लिए, ये ऑप्शन आपको किस पे चलेगा, ये मास्टर पे चलेगा, क्योंकि इसको नहीं पता ये डेटाबेस को, ये मास्टर पे चलेगा। तो जब भी हमें मास्टर चेंज करना होगा, या तो हम ऊपर से कर लें चेंज, या फिर यूज मास्टर कर लें, ठीक है। जब भी हम डेटाबेस रिलेटेड कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो मास्टर पे ही होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, यूज मास्टर, लिख के आ गया। अब इसमें लिखेंगे ऑल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम ऑनलाइन, ठीक है। तो ये इसकी क्वेरी होगी, ये क्वेरी से कर दिया हमने, तो ये जीयूआई वाला डेटाबेस हमारा क्वेरी से ऑनलाइन कर दिया, ठीक है। दोनों ऑप्शन समझ में आ गए आपको, ठीक है, क्वेरी वाला भी और वो वाला। क्वेरी आपको याद करना पड़ सकती है, आपको याद हो तो अच्छा। हाँ, तो ये तो ये याद करनी पड़ती है क्या सारी, ध्यान रखोगे धीरे धीरे काम करते करते याद हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेरी हमने चला दी, तो इसको यही काम हमने क्वेरी से कर दिया। अब यही काम हमने ऑफलाइन वाला भी हम क्वेरी से चल देते हैं। तो अगर मैंने क्वेरी चलाई तो ये ऑफलाइन हो गया, देखो अभी ऑफलाइन दिखाई देगा, हो गया ऑफलाइन। तो ये उससे करना ज्यादा इजी है जीयूआई से, वो है तो की बात रहती है, अभी करते करते तुमको याद हो जाएंगी तो फिर तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लो, बट देयर इज एन ऑप्शन, हमने ऑनलाइन कर दिया। अब इसमें एक कैच है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंडामेंटल है। अगर सपोज करो मैंने इसको राइट क्लिक किया और न्यू क्वेरी खोली, तो हमने क्या कर लिया इसमें, ये देखो ये वाला डेटाबेस है, दिख रहा है यहाँ पर कनेक्टेड है, जीओआई वाला डेटाबेस कनेक्टेड है ना हम लोग। अब अगर हम इसको ऑफलाइन करेंगे तो बताओ क्या होगा, एरर देगा, विल दिस वर्क, नो नो, ये दिखा नहीं रहा कनेक्ट उससे, नहीं ये कंटीन्यूअसली हमारा ओपन है ना। अच्छा, कंटीन्यूअसली क्योंकि 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 इस वाले डेटाबेस पे कनेक्शन ऑलरेडी है, जब तक इस पे कनेक्शन रहेगा ये आपको ऑफलाइन कर नहीं पाएगा, इस पे कोई एक यूजर कनेक्टेड है, जब यूजर तो एसक्यूएल अलाउ नहीं करता कि वो किसी को इस तरह से ऑफलाइन ऑनलाइन कर दे, क्यों, फिर कंसिस्टेंसी का इशू आ जाता है। तो अगर हम जैसे ही बंद करेंगे, देखो ये क्वेरी तुरंत कंप्लीट हो गई, देखा तुमने दिया। तो इसका ये मतलब निकला कि अगर डेटाबेस पे पहले से कोई कनेक्शन है और उस लेवल पे आप वो कर रहे हो, क्या कोई चेंजेस कर रहे हो, तो इसमें डेटाबेस पे चेंजेस कुछ कर रहे हो और उसमें ऑलरेडी कनेक्शन है, इसमें चार तरह के ऑपरेशन होते हैं, DDL, DD, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, EML, और एक और होता है DML, DDL, एक होता है सिक्योरिटी का होता है या प्रिविलेज का होता है कुछ बोलते हैं इसको, एक मिनट अपन ध्यान कर लेते हैं, भूल जाते हैं, DML, DDL चार होते हैं मेरे ख्याल, चार होते हैं, DDL, DML, DSL, DCL, कुछ और भी होता है, ये होता है DDL, DQL, DL, DCL और TCL, ये होता है। ये बता देता हूँ तुम्हें एक चीज है, डेटा ये बता दे, डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, कंट्रोल लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड क्वेरी लैंग्वेज, मैं को फर्क बता देता हूं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको जो मैंने बताया, अगर आपका कोई कनेक्शन है और आप डेटाबेस को ऑफलाइन करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कनेक्शन किल नहीं कर दे। तो DML का, DDL का क्या मतलब है, डेटा डेफिनेशन, अगर आप डेफिनेशन पे कोई काम कर रहे हो और उस टाइम पे उस पर कनेक्शन है तो यू कैन नॉट चेंज द डेफिनेशन, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन ही तो चेंज कर रहे थे, मतलब आप इसको ऑफलाइन ऑनलाइन जा रहे थे। अब एक और तरीका है, जैसे मैंने जीयूआई को लिया, इसके लिए हमने एक नई क्वेरी खोली, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक क्वेरी खुल गई मेरी, ये डिस्कनेक्ट हो रखा है, कैसे कनेक्ट करना होगा, क्वेरी खुल गई, अब मैं सोचूं कि इस वाले डेटाबेस का रीनेम कर दूं यहां से, तो रीनेम का ऑप्शन
डिसेबल हो रखा है क्योंकि इस पर कनेक्शन है, इट विल नॉट अलाउ यू टू रीनेम। ओके नहीं करेगा अलाउ। अगर हमने ये कनेक्शन किल कर दिया और इस पे हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं है इस पर्टिकुलर डेटाबेस पे, देन अब देखना क्या होगा। नहीं इसमें कोई कनेक्शन होगा ना, रिफ्रेश तो करो, रिफ्रेश करके देखो आ जाए। अच्छा ये रिफ्रेश कराया ना, ऑफलाइन पढ़ाई है? ऑफलाइन पढ़ाया, ऑनलाइन तभी नहीं आ रहा। अब इसको हमें चलाना है, इसको हम सीधा चला दो, इसको सिलेक्ट करो होम, उसको चला दो, ये ऑनलाइन हो जाएगा। अब देखो आप आएगा कि नहीं, अब देखो डीनेम का ऑप्शन आ रहा है। ये आ रहा है ना रीनेम का, वैसे तो हो रहा है लेकिन वैसे नहीं आ रहा। ये आ रहा है ऐसे रीनेम का, ऐसे आ रहा है, ठीक है। बट अगर हम इस डेटाबेस पे कोई कनेक्शन है और आप उसको रीनेम करना चाहते हो, ऑफलाइन ले जाना चाहते हो, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, ये बात समझ लो, ठीक है। दूसरा इसी चीज में एक और चीज कवर कर देता हूँ, जैसे आप डेटाबेस पे कोई कनेक्शन ऑलरेडी और आप सोचो उस पर रिस्टोर कर दूं, तो काम नहीं करेगा, वो रिस्टोर करने नहीं देगा आपको अंटिल अनलेस सारे कनेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए, किल नहीं हो जाए, हट नहीं जाए, कंप्लीट नहीं हो जाए, तो वो सारी चीजें तभी पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलूं? डी एल का मतलब समझ में आ गया सभी को? डेटा डेफिनेशन, डेटा की जो डेफिनेशन है उसकी, टेबल का साइज क्या है, उसका नाम क्या है, टेबल का कौन कौन से उसमें कॉलम्स हैं, वो सब डेटा डेफिनेशन में आता है। DQL होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, मतलब जो हम क्वेरी लिख रहे हैं ना वो क्वेरी लैंग्वेज, डेटा के लिए जो क्वेरी लिखते हैं वो। डेटा मैनिपुलेशन माने इंसर्ट अपडेट डिलीट, अगर हमारे पास डेटा है उसमें हम कुछ नया चेंज कर रहे हैं, मैनिपुलेशन जानते हो ना वर्ड का बहुत सिंपल सा मीनिंग है, कुछ उसमें चेंजेस कर रहे हैं, तो दैट इज कंसिडर एज अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो हम वो देते हैं सिक्योरिटी परमिशंस, वो DCL में आता है, ठीक है, डेटा लेवल पर। क्लियर है यहाँ तक तीनों चीजों, चार चीजें ये कंसीडरिंग? ओके ठीक है। अब टास्क में मैंने आपको क्या बता दिया था, ऑनलाइन ऑफलाइन बता दिया था, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन समझ में आए? आ गए। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो किस किस को याद है डेटा का एक्सटेंशन क्या होता है, डेटाबेस में कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं? MDF एंड DF और LDF, ठीक है, LDF, ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। अगर हमें इन फाइल को करना हो तो हम इसमें ऑप्शन कौन सा यूज करते हैं, राइट क्लिक, राइट क्लिक, टास्क, श्रिंक। अब इसमें दो लेवल पर श्रिंक कर सकते हैं, पूरा डेटाबेस लेवल श्रिंक कर दो या फाइल श्रिंक कर दो, ऑलवेज एडवाइजेबल टू श्रिंक द फाइल्स, और आल्सो देयर इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू श्रिंक द लॉग्स, डोंट श्रिंक डेटा फाइल। जैसे 8 MB का है, अब इसमें 8 MB स्पेस हमने इसको अलोकेट कर रखा है, लेकिन इसमें कितना यूज हो रहा है, केवल 40 MB, क्योंकि 40 MB कह रहा हूँ मैं, 0.4 MB, बाकी इतना खाली पड़ा है, दिख रहा है खाली स्पेस है, इसको बोलते हैं अवेलेबल स्पेस ऑन द डेटा फाइल, ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन चीज नोटिस करिए, जो हमने GUI डेटाबेस का रीनेम किया लेकिन फाइल रीनेम नहीं हुई, फाइल अभी भी वही सी नाम से है, पर फाइल जिस नाम से बन गई, लेकिन डेटाबेस आपको जरूर रीनेम करके इनको दे देगा, लेकिन फाइल का नाम हमेशा जो एक बार बन गया वही रहेगा, ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अगर हमें इसको श्रिंक करना है तो कई बार क्या होता है, हमारे पास अलर्ट्स आते हैं कि भैया ड्राइव फुल हो गई है, हमारी डी ड्राइव पूरी भर गई है, तो क्या होता है कि इसमें कई बार क्या करता है SQL, उसका साइज जैसे सपोज करो 100 GB हो गया लॉक का और फ्री दिखा रहा है 98 GB या 99 GB, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको मैनुअली जाके इस तरह से ओके करना पड़ता है, श्रिंक करना पड़ता है, तो जितनी उसमें जगह खाली होगी उतनी जगह को वो रिलीज कर देगा, वो ऑप्शन भी मैं बताऊंगा ट्रांजेक्शन का फंडा, ठीक है।
तो इसमें ये देखो, ये इसने डेटा फाइल की जगह लॉग फाइल में कितना श्रिंक कर दिया, क्योंकि ये इसका इनिशियल साइज है, इसलिए इससे नीचे नहीं जाएगा ये। अगर हमने इसका इनिशियल साइज चेंज कर दिया तो इसके नीचे चला जाएगा, बट मैं एग्जांपल आपको बता दूंगा। तो ये श्रिंक करना कैसे करते हैं, टास्क में जाके फाइल्स और उसमें डेटा फाइल सेलेक्ट करना है या लॉग फाइल, तो ये तरीका होता है श्रिंक करने का। अब इसमें तीन ऑप्शंस होते हैं श्रिंक करने के, तीन ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, दिस इज कंसीडर्ड एज ए श्रिंक एक्शंस। कौन कौन से होते हैं, एक तो रिलीज अनयूज्ड स्पेस, तो मैं तुम्हें बताऊंगा जब आगे तुम्हें बताऊंगा कि जो डेटाबेस होता है जब राइट करता है ना, तो सारा डेटा वो किस पर राइट करता है, लॉग फाइल्स में, सारा डेटा लॉग फाइल में लिखता है, फिर चेक पॉइंट चलता है वो फिर डेटा फाइल में लिखा जाता है। डेटा फाइल में लिखने का मतलब ड्राइव पे लिखता है, तो जब वो ड्राइव पे लिख देता है, चेक पॉइंट चल जाता है, तब जाके वो स्पेस फ्री हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं तुम्हें बताऊंगा, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांजेक्शन प्रोसेस। ट्रांजेक्शन कैसे प्रोसेस करता है, कैसे इनिशिएट होता है, वो सारी प्रोसेस तो मैं बताऊंगा फर्दर, ठीक है। अभी के लिए इतना है कि हमें श्रिंक करना है, हमारी फाइल भर गई है तो हम इसको डायरेक्ट रिलीज अनयूज स्पेस क्लिक करके रिलीज कर सकते हैं। अगर ये स्पेस खाली पड़ा है तो कुछ स्पेस रिलीज कर देगा, लेकिन अगर स्पेस अलोकेटेड जितना है और वो इनिशियल साइज है, जब हम डेटाबेस बनाते हैं उसका इनिशियल साइज है, मतलब हमने बोल दिया कि भैया ये मिनिमम साइज है, ये इसका बेसिक साइज है, जब भी ये बनेगा मिनिमम इतना ही साइज होगा, तो हम उसको इनिशियल साइज बोलते हैं। आई विल शो यू दैट ऑप्शन आल्सो, बट अभी के लिए अगर मुझे इसको क्वेरी करना है, जीयूआई के थ्रू नहीं जाना है, तो मैं क्वेरी के थ्रू जाऊंगा। तो देखो डेटाबेस का नाम आ गया श्रिंक फाइल, कौन सी फाइल श्रिंक करना है, लॉग फाइल। क्या करना है, ट्रंकेट ओनली, जीरो मतलब जितने जितना खाली स्पेस है वो कर दो फाइल के अंदर, ठीक है। ये हम क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर से बताता हूँ, टास्क में जाके, श्रिंक में जाके, इसमें फाइल्स में जाके आप इसमें डेटा या लॉग फाइल को श्रिंक कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल टू श्रिंक द डेटा फाइल, क्योंकि डेटा फाइल श्रिंक करने से इसका सिस्टम का फ्रेगमेंटेशन, इसका डेटाबेस का फ्रेगमेंटेशन बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरे रीड राइट में फिर वो ज्यादा मेमोरी लेगा, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस का इशू हो जाता है। अब टास्क में हमने क्या क्या पढ़ लिया, श्रिंक पढ़ लिया, समझ में आ गया सबको, एक्नॉलेज करना चाहो तो कर दो। हाँ, आ गया, श्रिंक करना। उसके बाद हमने बैक इसको ऑफलाइन ऑनलाइन लेना सीख लिया थ्रू द जीयूआई, थ्रू द अगर हमें ये डेटाबेस हटाना है, मतलब मैं चाहता हूँ हटाना, मुझे ये डेटाबेस यहाँ से हटाना है, मैं चाहता हूँ कि इसको ना मैं डी में ना डालते हुए ई में डाल दूँ, तो मैं देखो अभी दिखाता हूँ, मेरी सारी फाइल डी में पड़ी है, आई कैन गो यू, आई कैन टेक यू ऑन डी ड्राइव, मेरी फाइल इसमें पड़ी है, कौन सा डेटाबेस कनेक्ट है, मेरी सारी फाइल डी में पड़ी है, तो मैं ले चलता हूँ आपको डी में। नहीं, डी में भी पड़ी है कुछ फाइल, बट दैट्स ओके, आई कैन टेक यू प्रोग्राम फाइल एसक्यूएल सर्वर, और इंस्टेंस नेम क्या है, देव। गाइस रिमेम्बर, अंकित तुम साथ में भी कर सकते हो। नहीं, तुम करो ना पहले, एक बार देख ना फिर करेंगे। उसी का तो ऑप्शन बताया था, एक्सटेंडेड स्क्रीन करके, वो बताया तो था तुम लोगों को, यही तरीका था, बताया था। पे कनेक्ट कर लो एक्सटेंडेड स्पीड पे, हमारा देखते रहो, अपना लैपटॉप पे काम करते रहो, ये बताया था ना कल। लेकिन फायदा होगा और सरल हो जाएगा आपके लिए लाइफ। मॉनिटर खराब हो गया तो डाल दिया सिस्टम में, आ जाएगा। इसको हमें अगर ये पता करना है कि इसकी फाइल कहाँ है, तो इसके लिए हम क्वेरी चलाएंगे sp_helpdb, यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा इसकी फाइल कहाँ पवर रही है, ठीक है, इसकी इसकी फाइल कहाँ पे है, मतलब डी ड्राइव में पड़ी है, ये देखो इस वाली लोकेशन पे, यहाँ पे लॉग फाइल, यहाँ पे ये लॉग फाइल यहाँ पे है और डेटा फाइल यहाँ पे है, तो हम डी ड्राइव में चलते हैं, लेट्स गो। ठीक है, तो ये सारी फाइल यहाँ पड़ी है हमारी, ठीक है, डी ड्राइव में पड़ी है, तो अब हमें पता है ये पड़ी है हमारी फाइल, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इसको फाइल को यहाँ से हटाऊं, टास्क में जाऊं, इसको कर दूं डिटैच, ये कहेगा कि ड्रॉप कर दूं सारे कनेक्शन, डिटैच माने ये डेटाबेस को हमने डिलीट नहीं किया, डिटैच किया है,
डिटैच और डिलीट में ये फर्क होता है, डिलीट में वो उस लोकेशन से फाइल भी हट जाती है, लेकिन अभी क्या है ये लोकेशन से फाइल हटी नहीं है, यहीं के यहीं है, दिख रहा है आप लोग को डिटैच यहीं है, फाइल नहीं हटी है, लेकिन हमने लॉजिकली वहां से हटा दिया अपनी इंस्टेंस से उसको, इसको फिर से अटैच करना है, राइट क्लिक अटैच डेटाबेस, तो हम इसमें ऐड करेंगे अपनी एमडीएफ फाइल, ये हमारी फाइल ये पड़ी है, इसको उठाया यहाँ से, ये अपने आप आ गया, ये डिटैच से अटैच करो, ड्राइव लोकेशन चेंज करनी है, ड्राइव लोकेशन चेंज करो और फिर उसको अटैच कर दो। इसमें क्या होता है कि स्पेस का क्रंच आया, नॉन प्रॉड सर्वर है, आपने कहा डी ड्राइव से हटा के ना उसको इसको ई में ले जाना है, तो उसमें क्या करो डिटैच करो अटैच, फिर वो जो फाइल वहां से उठाओ डी ड्राइव से और उसको सी में डालो और वहां से अटैच कर दो, तो वो फाइल की लोकेशन चेंज हो जाती है, समझ में आ गया बताऊं? हाँ। देखो जैसे सपोज करो मेरा ये फाइल है स्क्रिप्ट वाली, मैंने इसको करा डिटैच, ठीक है, इसमें एक एक्टिव कनेक्शन है, इसको मैं ड्रॉप करता हूँ, दिखा रहा ना एक एक्टिव कनेक्शन है, ड्रॉप करने देगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि सेशन खुला है ना तो सारे कनेक्शन को बंद कर देते हैं, अब आप देखोगे जैसे मैंने सब बंद किया तो वो डिटैच हो गया डेटाबेस, दिख रहा है स्क्रिप्ट वाला डेटाबेस नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, हट गया, तो इसका क्या पर्पस होता है, अगर हमें डेटाबेस डिटैच करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि डिटैच करके डी ड्राइव से डेटा हमें कुछ दूसरी ड्राइव में ले जाना है तो कम से कम हम डिटैच करके फिर यहाँ से ये कॉपी करेंगे, ये हमने हटा दिया यहाँ से दोनों फाइल और गए, और मैंने सपोज करो मुझे ना इस वाली लोकेशन पे डालना है बैकअप, वो डेटाबेस की ग्रोथ यहाँ करनी है, मैंने यहाँ पेस्ट कर दी क्योंकि ये डिटैच थी। अब मैं एक और चीज़ बता दूँ, अगर मैं इसकी लॉक फाइल डिलीट भी कर दूंगा ना तो डिलीट हो जाएगी, तो क्या होगा आप देखो अटैच, क्योंकि लॉक फाइल तो जब क्रिएट होती है उसमें कुछ करते हैं प्रोसेसिंग तभी तो क्रिएट हो गया। ये देखो अब ये लॉक फाइल इसने अपने आप उठा रहा है कहीं से, कह रहा है नॉट फाउंड, पर देखते चलता है कि नहीं, एरर आ रहा, क्या कह रहा है द एरर रिकॉर्ड चेंजिंग डेटा हाइपरलिंक इन डिटेल, तो ये क्या कह रहा है हाइपरलिंक में, क्या कह रहा है भाई ये एरर दे रहा है, ये क्या कह रहा है भाई लॉक फाइल रिडेस कर रहा है, ये नहीं कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम टू सिस्टम कैन नॉट स्पेसिफाई चेक दिस, ये कह रहा है लॉक फाइल भी अटैच करो, लेकिन हम चाहें तो इसको बिना लॉक फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, लॉक फाइल भी कह रहा है, वो कह रहा है कि ये डी वाली ये फाइल फाउंड नहीं है, एक बार लोकेशन जाकर रिफ्रेश करना, डी ड्राइव इधर कर रही है, ठीक है अब ओके करते हैं, बन गई, किसी ने ध्यान दिया, अपने आप अभी बना ली, देखो इसकी डेट क्या है आज की 16:06, ये देखो इधर 4:06, हाँ 16:06, मतलब ये इसने अपने आप बना ली डेटाबेस लॉक फाइल, अपने आप बना लेगा अगर आपकी लॉक फाइल मिस हो जाती, तो कई बार कोई क्वेश्चन आपसे करे कि ये बताओ आपके पास लॉक फाइल नहीं है अब डेटाबेस को रिट्रीव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हमें आप एमडीएफ फाइल दे दोगे हम डेटाबेस को रिट्रीव कर देंगे थ्रू दिस, ठीक है क्लियर है, इट्स अ न्यू ठीक है अटैच डिटैच का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि हमें कई बार एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ले जाना है तो हम ये वाला ऑप्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारे ट्रिक एंड मेथड्स होते हैं बट ये दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे, इससे एक और फायदा होता है इसमें हम जॉब सॉरी उसके थ्रू भी कर सकते हैं, स्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं पूरे काम को, ठीक है, तो स्क्रिप्ट अटैच करेंगे डिटैच करेंगे फिर सारी फाइल उठा के दूसरी लोकेशन पर डालेंगे और फिर हम फिर वही स्क्रिप्ट चला देंगे तो वो सब हो जाता है, तो ये हमने जीयूआई से भी करके देख लिया और ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट भी बता दिया आपको, तो आप देख रहे हो अब हम यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट डेटाबेस भी आ गया, देखो कहाँ गया, यही वाला तो है डीबी विद स्क्रिप्ट, नहीं डीबी विद स्क्रिप्ट वाला था ना, आना चाहिए ना, नहीं आ रहा था पहले भी, अभी आ रहा था, हाँ
चलो तो ये अब आया आ गया, तो ये देखो स्क्रिप्ट वाला डेटाबेस हमने अभी हमने क्या क्या ऑपरेशन सीख लिए फिर से बता देता हूँ। टास्क में हमने क्या क्या सीख लिया, डिटैच अटैच ऑफलाइन ऑनलाइन। अगर हमें डिटैच करना है, एक चीज याद रखना अंकित तुम बहुत कंफ्यूज होते हो, डिटैच करना है तो डेटाबेस जिसको डिटैच करना है उस पर राइट क्लिक करके करना पड़ेगा, और अटैच करना है तो डेटाबेस के ऊपर क्लिक करके वहां से अटैच होगा। क्लियर है? ओके यहाँ पे सब चीजें एक्सपेंड करनी पड़ती हैं, एक्सपेंड और कॉल कॉन्सेप्ट हमेशा, तो चीजों में आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम ब्लैंक नहीं हो जाना है चीजों को देख के, ठीक है। अब देखो अगर हमें स्क्रिप्ट बनानी है, ये चीज मैं बता ही चुका हूँ, अब मैं टास्क में से डिटैच बता दिया, इसका अटैच कहाँ दिखेगा हमें, डेटाबेस पर, यानी डेटाबेस पर, ठीक है, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। फिर श्रिंक का ऑप्शन बता दिया मैंने तुम्हें, बैकअप रीस्टोर का मैं तुम्हें सेपरेट सेशन में बताऊंगा, मिरर बाद में बता दूंगा। मिरर एक ऑप्शन होता है जिसमें आप एक सर्वर का एक और मिरर बना सकते हो, एक डेटाबेस का एक और मिरर बना सकते हो, तो पूरा डेटा वहां कॉपी होने लगता है दूसरे इंस्टेंस पे, तो ये हम तुम्हें करके दिखा सकते हैं अपने सिस्टम पे, लेकिन बाद में। अब इसमें कह रहा है स्क्रिप्ट ट्रांजेक्शन लॉग, जनरेट स्क्रिप्ट, अगर हमें स्क्रिप्ट जनरेट करना है तो वो ऑप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, तो हम पूरे डेटाबेस की स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये कि हमें डेटाबेस की स्क्रिप्ट जनरेट करनी है उसको कहाँ सेव करनी है। दूसरा इसमें एक और ऑप्शन बहुत अच्छा है कि आपको इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट रिलेटेड वो भी करना है ना, अगर ऑब्जेक्ट मतलब कोई एक अकेली टेबल है ना उसकी अकेली की स्क्रिप्ट चाहिए तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ अभी है नहीं इसलिए ये ब्लैंक दिखा रहा है, राइट। तो ये स्क्रिप्ट का ऑप्शन बहुत अच्छा है इसमें। दोनों में क्या फर्क हुआ, दोनों में ये फर्क हुआ, इसमें स्क्रिप्ट में केवल डेटाबेस क्रिएट की स्क्रिप्ट आती है, लेकिन अगर हम इसमें राइट क्लिक करके टास्क में जाते हैं, इसमें जो स्क्रिप्ट आती है ना जनरेट स्क्रिप्ट, हम इस पे स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमने ऑब्जेक्ट लेवल स्क्रिप्ट भी क्रिएट करना है तो हम कर सकते हैं। इसमें कौन सी स्क्रिप्ट सिलेक्ट होके आएगी, एंटायर डेटाबेस एंड ऑल डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वो कहाँ सेव होगा, अगर हमें वेबसाइट पर पब्लिश करना है तो वो भी कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, सेव भी कर सकते हैं, क्लिक बोर्ड पर भी डाल सकते हैं, क्वेरी विंडो में भी खोल सकते हैं, वो सेम ऑप्शन आपको एक विजार्ड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई, सॉरी। टास्क में स्क्रिप्ट का ऑप्शन समझ में आ गया सभी को? हाँ, ठीक है। यहाँ से हम एजोर पर डिप्लॉय भी कर सकते हैं, एजोर पर डिप्लॉय कर सकते हैं, एजोर डेटाबेस डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, एजोर वीएम पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस अभी तुम लोगों को बाद में बता दूंगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मैनेज डेटाबेस इंक्रिप्शन ये भी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम बेसिक ऑप्शन समझ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत लंबा चौड़ा जुगाड़ है ये, एजोर तो वी हैव टू वर्क ऑन एजोर सब्सक्रिप्शन एंड ऑल दैट, ठीक है। तो जब हम इस लेवल पे पहुंचेंगे, इस मैच्योरिटी पे, तो फिर हम एजोर भी बताएंगे और डिस्कस करेंगे। लाइकवाइज इसमें भी हम सारी पॉलिसीज वगैरह चेक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिसीज को व्यू करना है तो इसमें क्या क्या पॉलिसीज लगी हैं। फैसेट्स का ऑप्शन हमने इंस्टेंस लेवल पे भी देखा था, डीबी लेवल पे भी होता है, तो इसमें फैसेट का मतलब वही था, फैसेट्स में आप क्या क्या चीजें कॉन्फिगर्ड है वो सारी चीजें, ये डेटाबेस से रिलेटेड सारी को दिखा। हाँ, प्लस इसमें इसमें डेटाबेस रिपोर्टिंग का भी ऑप्शन है, बट इसमें डिसेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डेटाबेस इसमें कोई डेटा है नहीं विशेषकर, तो इसलिए हो सकता है ये इसमें रिपोर्टिंग का ऑप्शन डिसेबल आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से आता है डेटा, पर्टिकुलर डेटाबेस की यहाँ से भी आता है रिपोर्ट का ऑप्शन, ठीक है। अब हम तुम्हें बता देते हैं डेटाबेस का बैकअप लेना, तो अभी हमने डेटाबेस लेवल पर समझ लिया, फाइल समझ ली, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा यहाँ के सारे ऑप्शन और बता देता हूँ। अब मैं डेटाबेस की प्रॉपर्टीज पे चल रहा हूँ, ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए टास्क वाले, अब प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इट इज़ वेरी मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, भूल नहीं जाओ, इसलिए मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो ये जो जनरल का ऑप्शन होता है ये बेसिकली व्यू पर्पज के लिए होता है, इट इज़ नॉट फॉर एनी चेंजेस, तो जो भी चेंजेस आप करोगे वो फर्दर करोगे, इसमें केवल व्यू पर्पज के लिए होता है, जैसे इसमें बैकअप हुआ कि नहीं लास्ट टाइम उसकी डिटेल मिल जाएगी आपको, इसका ऑनर कौन है उसकी डिटेल मिल जाएगी, डेटाबेस कब क्रिएट हुआ है यहाँ से हमें उसकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है, इसका करंट साइज क्या है उसकी डिटेल मिल जाएगी, और मेमोरी का क्या एलोकेशन है, ऑब्जेक्ट लेवल कोई मेमोरी एलोकेशन कर रखा है वो मिल जाएगी, नंबर ऑफ यूजर कितने कनेक्टेड हैं वो डिटेल मिल जाएगी, प्लस फाइल में। अब ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये सीख लो समझ लो जान लो। अब हमें चाहते हैं कि नहीं हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, डी ड्राइव हमारी भर गई है,
तो हम इसमें एक और अच्छा ऑप्शन कर सकते हैं, इसको ध्यान से सुनना, डेटाबेस फाइल्स में इसमें इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल नेम, समझ गए, हमेशा डेटाबेस का लॉजिकल नेम होता है और फिजिकल नेम होता है और दोनों ही यूनिक होने चाहिए, ठीक है। यूनिक का मतलब अगर दूसरा डेटाबेस बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि लॉजिकल नेम हम उसका सेम रख दें, लॉजिकल नेम सेम हो सकता है लेकिन फिजिकल लोकेशन हमेशा अलग अलग रहेंगी। तो ये फिजिकल पाथ ये है और इसका फिजिकल नेम ये है, फाइल का फिजिकल नेम ये है, लॉजिकल नेम ये है। तो जब भी आप कोई ऑपरेशन करते हो तो लॉजिकल नेम लेवल पे भी कर सकते हो और फिजिकल नेम लेवल पे भी कर सकते हो। जैसे कि अभी तुमने किसी ने ध्यान दिया हो कि हमने एक डीबीसीसी कमांड चलाई थी श्रिंक करने के लिए, ये देखो, मैंने इसकी एक कमांड बनाई तो इसने क्या इसने कौन सा नेम उठाया यहाँ पे, डेटाबेस में ये वो है लॉजिकल नेम, दिस इज लॉजिकल नेम, लॉजिकल अभी तो सेम है, मतलब अभी तो सेम है लॉजिकल और फिजिकल नेम, फिजिकल नेम में डॉट एमडीएफ एनडीएफ नहीं लगी रही, अच्छा वो तो हो रहा है एक्सटेंशन है, क्यों वो पूरा नाम आएगा ना, नाम फाइल का कंप्लीट आता है ना, मींस एक्सटेंशन है अकेला, इससे क्या मतलब है। सो यहां पे ये लॉजिकल नेम आएगा, सो इट इज जब क्वेरी चला रहे हैं तो लॉजिकल नेम के बेसिस पे भी जाएंगे, ठीक है। तो लॉजिकल नेम को आप चाहो तो रीनेम कर सकते हो, ये देखो रीनेम कर दो इसका नाम, हमने चाहो तो जीयूआई कर सकता हूं, ठीक है, चेंज हो गया ये देखो, अगर हम यहां पे भी डेटाबेस की जगह इसको जीयूआई कर दो, ठीक है, न्यू की जगह हम इसमें कुछ और कर सकते हैं, जैसे हमारा नाम हमने विथ विथ कर रखा है ना, विथ जीयूआई, तो लॉजिकल नेम के बेसिस पे ही हमारा वो चलती है क्वेरीज, समझ में आ रहा है आप लोग को। हाँ। I am considering तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा शायद, नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है, आ रहे हैं खरे, हाँ आ रहा है, आ रहा है। ये फाइल जो लॉजिकल नेम फाइल थी इसमें ये फाइल का नाम है डेटा रो, डेटा टाइप, ये कौन सी फाइल है, डेटा रो, डेटा डेटा फाइल है ये, इसका फाइल प्राइमरी ग्रुप क्या है, प्राइमरी, इसका फाइल ग्रुप क्या है, प्राइमरी, बार बार बोल रहा था इनिशियल साइज, तो इनिशियल साइज यहाँ पे हमने सेट कर रखा है, अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो तुम्हारे पास क्या होगा देखना, अभी दिखाता हूँ, अगर मैं इसका साइज 800 MB कर दी तो फाइल 800 MB से स्टार्ट होंगी। अब इसमें एक और ऑप्शन होता है फाइल ग्रोथ और मैक्स साइज, इसको हम सेट कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है कि फाइल ग्रोथ हमेशा अनेबल होना चाहिए और इसकी ग्रोथ हमेशा मेगाबाइट्स में जाना चाहिए, परसेंटेज में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब परसेंटेज में जाती है तो क्या होता है ये स्टैंडर्ड नहीं है और उसमें परफॉर्मेंस का भी इशू आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये तो पता नहीं है इसलिए मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे अंकित बात नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है अंकित को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, नहीं आ रहा, हम ध्यान से देख रहे हैं समझने की। हाँ, ऑटो ग्रोथ ऑप्शन को हमें हमेशा स्पेस वैल्यू के साथ बढ़ाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो हमारा 1000 GB का डेटाबेस है, ठीक है, 1000 GB का डेटाबेस है मेरा, अभी 10 GB है ना, 1000 GB का डेटाबेस है, ठीक है। अब अगर हमने इसकी ग्रोथ 10% सेट कर दी तो हर बार क्या होगा कि वो सीधा ड्राइव में से 1000 GB का 10% कितना होता है भाई, 100, तो 100 GB स्पेस वो सीधा ड्राइव से अपने डेटाबेस में ऐड कर देगा। 100 GB को ऐड करने में एकदम से इसकी स्पीड की प्रॉब्लम आ जाएगी, जब वो ड्राइव से अपने उसमें आएगा और रीड राइट ऑपरेशन एकदम से परेशान हो जाएंगे उनको, एकदम से इतना जल्दी इतना स्पेस मिल नहीं पाएगा, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस इशू आना शुरू हो जाएगा। तो हम उस केस में क्या करते हैं, अगर हमारा कितना भी बड़ा डेटाबेस है हम इस पर लिख देते हैं वही 512 से ग्रोथ करो, 512 MB की ग्रोथ करो एट ए टाइम, छोटे छोटे पैकेट ऐड करने में आसानी हो जाती है, बहुत ज़्यादा छोटे पैकेज भी ऐड नहीं करना चाहिए। तो ग्रोथ का ऑप्शन क्या होता है कि जो डेटाबेस की फाइल है उसका साइज सपोज करो 8 GB था, अब हमारा वो भर गया तो फिर मैं इससे थोड़ा सा स्पेस अपने डेटाबेस में और ऐड कर लूंगा उस फाइल में, वो स्पेस को उतने पेजेस को, तो वो फाइल उसमें फिर भरना शुरू हो जाएगी, जब वो भर जाएगा फिर उसमें उतना स्पेस ऐड हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डेटाबेस फाइल ग्रोथ इन द MB और इन परसेंटेज।
समझ में आ गया या फिर से बताऊं ये पॉइंट? नहीं आ गया। अब यहाँ इसमें जिसमें 64 है इसको हम 512 से करना चाहेंगे ना, तो मैं अभी 64 है क्योंकि ये रेफरेंस है तो दैट्स ओके। और उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपनी जो फाइल की ग्रोथ है उसको लिमिटेड भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इसमें बोलें कि भैया 100 MB से ज्यादा नहीं बढ़े। अब जैसे 100 MB तुम इस पर रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो क्या होगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई ऑपरेशन हो रहा है तो मतलब कोई ट्रांजेक्शन चल रहा है और तुमने 100 MB पे फिक्स कर दिया तो उसके बाद ट्रांजेक्शन फेल होने शुरू हो जाएंगे। वो कहेगा देयर इज नो स्पेस इन द प्राइमरी फाइल क्योंकि आपने उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। अगर आप रिस्ट्रिक्ट को अनलिमिटेड कर दोगे तो जितना स्पेस उसको जरूरत होगी उतना स्पेस पर वो काम करता जाएगा। ठीक है, ये इसका मैं तरीका, इसका आगे इसका लॉजिक बताऊंगा, ये ऑपरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और इसको हम क्या यूज करेंगे अभी आगे मैंने थोड़ी देर में बता रहा हूँ। ऑटो ग्रोथ और मैक्स साइज, ये दोनों सेटिंग समझ में आ गई हमें? ऑटो ग्रोथ का मतलब डेटाबेस फाइल की ग्रोथ कितने एमबी से होगी या कितने परसेंटेज से ग्रोथ करेगा, और मैक्स साइज माने कितनी ग्रोथ करेगा मैक्सिमम। तो ये दोनों ऑप्शन हमें पता होना चाहिए। इनिशियल साइज हमने इसको 800 कर दिया, इसका पाथ ये है और इसका फाइल का फिजिकल नेम ये है। तो आपने गौर किया ये लॉजिकल नेम है, ये फिजिकल नेम है। तो डेटाबेस बहुत सारे ऑपरेशंस में फिजिकल नेम यूज नहीं करता, ऑपरेशनल काम के लिए वो लॉजिकल नेम यूज करता है। तो वी शुड नो द लॉजिकल नेम ऑल्सो, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मैं इसको ओके करूंगा तो यू कैन सी वन चेंज हियर, द डेटाबेस का साइज ना 800 MB हो जाए अपने आप। अब देखो हमने ये वाला साइज था, अब इसका साइज दिखाता हूँ क्या हो गया। अभी 8 MB था, कितना साइज दिखा रहा है यहाँ पे? 1600। क्यों? क्योंकि दोनों फाइल का साइज इनिशियल साइज ही हमने 1600 कर दिया, मतलब 800 कर दिया, तो ये 1600 MB दिखाने लग गया। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि स्पेस अवेलेबल कितना है भाई? 794। क्यों? क्योंकि ये स्पेस केवल किसका उठाता है, जो डेटा फाइल होती है उसका कंसिडर करता है। लॉग फाइल के स्पेस को वो नहीं कैलकुलेट करके चलता क्योंकि वो तो रीयूज स्पेस के लिए बनी है। लॉग फाइल बनी है, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट है इसको हम फिर से रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक कंडीशन में ये जो अपनी कंडीशन है अभी, इस कंडीशन में आपका सर्वर स्लो हो जाएगा ना? नहीं, परफॉर्मेंस का इशू नहीं आएगा। हमने इनिशियल साइज वी रिकमेंड टू 8 GB आल्सो इन द मिनिमम इनिशियली फॉर द टेम्प डेटाबेस। तो इनिशियल साइज तो आप नॉर्मल कुछ भी रख लो, उससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हम तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि इनिशियल साइज जितना डेटाबेस को दे दोगे उतना डेटाबेस उसको वो कर लेगा यूज। अब जैसे मैंने इनिशियल साइज 8 GB की जगह 800 की जगह 8 कर दिया तो व्हाट विल हैपन? सी अगेन शो पूरा लेगा। यहां का साइज कितना हो गया? पूरा यहाँ का साइज क्या है? 48। ठीक, अब देखो अब डेटाबेस का साइज देखते हैं, फाइल का साइज कितना दिखा रहा है। यहाँ पर श्रिंक में जाके यहाँ पे 8 दिखा रहा है, यहाँ पे भी 8 दिखा रहा है। ठीक है, तो इनिशियल साइज जितना होता है उसके हिसाब से वो अपने हिसाब को सेट कर लेता है। लेकिन इसमें कैच है, इनिशियल साइज इसमें अभी डेटा नहीं है इसलिए इसने आप वापस दे दिया हमें, कोई कुछ था नहीं। लेकिन अगर इनिशियल साइज पहले 8000 MB था और उसको सडनली तुम चेंज करोगे तो आपको चेंज नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? अगर उसमें डेटा होगा तो आपसे बोलेगा भैया डेटा कहाँ ले जाओगे, आप कम कर रहे हो उसका साइज। समझ गए? इनिशियल साइज कैन नॉट बी चेंज लाइक दैट, बट ये तो एम्प्टी डेटाबेस है इसलिए हम कुछ भी खेल रहे हैं इससे। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक? अब हमें कोई फाइल ऐड करना है। अब सपोज करो मेरी ना ड्राइव भर गई है, डी ड्राइव भर गई है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक काम करता हूँ, मैं डी ड्राइव पे ना इसकी ग्रोथ रोक देता हूँ, अनेबल ऑटो ग्रोथ बंद कर देता हूँ, ये रोक देता हूँ ग्रोथ। अब डी ड्राइव पे नहीं जाए मेरी, अब मैं क्या करता हूँ एक नई फाइल ऐड कर देता हूँ यहाँ पे ऐड। तो मैं एक नई फाइल ऐड कर देता हूँ, उसका लॉजिकल नाम रखता हूँ क्या, डीबी सेकेंडरी। एक नई फाइल ऐड कर देता हूँ, उसका फाइल ग्रुप प्राइमरी है। अगर हम फाइल ग्रुप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, इसका ऑप्शन बताएंगे। फाइल ग्रुप क्या होता है कि वो किस कौन से ग्रुप का है, मतलब हर फाइल का ग्रुप भी बना सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अगर इसको सेम डेटा वाले ग्रुप में ही डाल दिया तो वो उस हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेगा। प्लस हमने इसको इसमें इसका स्पेस हमने क्या कर दिया, इनिशियल साइज 8 MB कर दिया और ये हमने इसकी ग्रोथ ये कर दी। ऐसे ही हमने इसकी जगह हमने क्या बना दिया, डी बी लॉग सेकेंडरी। ठीक है, ठीक है। अब हमने इसको बोला कि नहीं रो फाइल नहीं है, ये लॉग फाइल है,
ये लॉग फाइल बन गई। इसमें प्राइमरी सेकेंडरी एप्लीकेबल नहीं होता, ये हमने लॉग फाइल ऐड कर दी। अब हमने क्या किया, प्राइमरी इसकी भी ग्रोथ हमने रोक दी। क्यों? क्योंकि हमारी ड्राइव भर गई, हम चाहते हैं कि हमने नई ड्राइव लगाई है उसमें जाए सारा डेटा। अब यहाँ पर हम उसका फाइल नेम डाल देंगे, ठीक है, लगाते हैं हम उसमें डाटा सारा। हमारा डिस्क भर गया है, हम डिस्क को चाहते हैं कि एक डिस्क से दूसरी डिस्क पे डेटा स्टॉप कर देते हैं और दूसरी डिस्क पे लगा देते हैं। या तो दो ऑप्शन है, या तो आप एक काम करो कि भैया डिस्क एक्सटेंड करा लो, डिस्क एक्सटेंड नहीं हो पा रही तो नई डिस्क लगा दो, उसमें ये फाइल इस तरह से क्रिएट कर दो। तो अब आप देखोगे, तो आप देखोगे कि इसमें ठीक है। चलो अब 18.8 हो नहीं रहा। हाँ कोई बात नहीं, तो ये पुराना वर्जन है ना बेसिकली, तो हम इसको ओके दैट्स ओके आई मीन इसको बंद कर देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो नए वर्जन पे देखते हैं, हम नए वर्जन पे कनेक्ट करेंगे। तो इसका वर्जन देख लेते हैं क्या है, याद नहीं आ रहा, इसका वर्जन देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये नई वाला है एक्चुअली, बहुत सारे खुल गए एक्चुअली, बंद पुराना वाला भी बंद कर देते हैं, देयर विल बी नो कन्फ्यूजन। ओके सो आई कैन ओपन अगेन। SSMS ओपन करने के लिए आपको इसके लिए अलग से टैब दिखेगा, SQL सर्वर 2018 के नाम से, इफ इट इज सेटिंग वर्जन, इसके साथ नहीं दिखेगा, ये अलग से दिखेगा आपको, इसके अंदर जाना पड़ेगा और फिर इस पर SSMS कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो SQL के बहुत सारे अलग टूल्स भी होते हैं, ठीक है। इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, क्लिक करके कर लो, या फिर यहाँ से विंडोज पे जाके SSMS डाल के भी कर सकते हो। अब क्योंकि ये पुराना वाला खुल जाता है क्योंकि उसी के हिसाब से मैप किया। अब मैं यहाँ पे जिस उस पर था उसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पे GUI वाले डेटाबेस पे था, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज में गया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ फाइल अंडरस्टैंड कर ली सब लोगों ने, ग्रुप ऑप्शन पे आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारे लेवल ऑफ कंफर्टेबिलिटी आ रहे हैं ना। अगर हम इस डेटाबेस की कंफर्टेबिलिटी लेवल कुछ नहीं होती, इतना होता है कि जैसे अगर ये 2016 का डेटाबेस है तो 16 तक के सारे ऑप्शन इसमें वो यूज कर सकता है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मेरी एप्लीकेशन ना 8 की सपोर्ट में है, तो आप इसमें 16 के वाले फीचर अपने आप यूज नहीं कर पाएगा, 8 पे डाल दोगे तो 2008 के फीचर यूज करेगा वो, ठीक है। समझ में आई ये बात, ठीक है। कंपेटेबिलिटी लेवल क्या होता है कि आप हायर वर्जन पे चले जाओ, लेकिन आप चाहो तो पुराने वर्जन की कंपेटेबिलिटी लेवल चेक मतलब यूज करते रहो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से कंपेटेबिलिटी लेवल भी यूज चेंज कर सकते हो, यूज कर सकते हो जो भी चाहिए। तो इट इज एडवाइजेबल आई ऑलवेज गुड हैव अ कंप्लीट मतलब जो लेटेस्ट कंफर्टेबिलिटी लेवल है जो उस पे सपोर्ट कर रहा है वो होना चाहिए, क्योंकि ये 2016 का इंस्टॉलेशन है तो इसलिए 16 दिखाई दे रहा है, ठीक है। कॉलिजन क्या होता है, कॉलिजन बेसिकली कुछ नहीं होता है, इसमें दो तरह के कॉलिजन होते हैं, कॉलिजन दो तरह के होते हैं, ठीक है। मैं इसका तो मैं और डिटेल बता दूंगा, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि ये लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं। अगर हम रीजन स्पेसिफिक होते हैं, जैसे सपोज करो मैं स्वीडन में हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो मेरे हिसाब से मुझे डेटा जिस फॉर्मेट में सेव करना है उस फॉर्मेट को सपोर्ट करने के हिसाब से मैं ले लेता हूँ इसमें। बट दो कैच हैं, देखो यहाँ पे मैं कोई कॉलिजन पकड़ लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक होता है CI, एक होता है CA, CIAS, ठीक है। दिख रहा है लास्ट का, ये तो कंट्री से रिलेटेड हो गया, लैटिन लैंग्वेज हो गई, लेकिन इसमें CI का मतलब होता है केस इनसेंसिटिव, ठीक है। मतलब अगर सपोज करो केस इनसेंसिटिव का मतलब सब लोग जानते हैं, जैसे मैंने करा select @ फ्रॉम कोई टेबल नाम बना दी हमने, select asterisk from table name, सपोज करो तो टेबल बना दी डेटाबेस में, अभी हमने कोई भी डेटाबेस सिलेक्ट कर दिया, यूज जो भी हमारा डेटाबेस है कर दिया, ये क्या टेबल था, DB with script, ये वाला डेटाबेस यूज कर लिया, ठीक है, ठीक है। और ये क्वेरी लिखी, अब अगर मैंने इस टेबल का नाम TBLS करके लिख दिया, और अगर ये केस इनसेंसिटिव है तो हम इसका नाम चाहे कैपिटल लिख दें और चाहे स्मॉल लिख दें, नो मैटर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब समझ में आ गया,
चाहे हम स्मॉल लिख दें चाहे कैपिटल लिख दें, मतलब इनसेंसिटिव है, इसमें केस का कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको सेंसिटिव कर दिया तो आपको जिस केस में वो है, जिस जिस पर्टिकुलर उसका वो है, क्या बोलते हैं, अपर केस है या लोअर केस है, उसी में लिखना पड़ेगा। अदरवाइज ये आपको टेबल ही नहीं दिखाएगा, ये कहेगा यू कैन नॉट फाइंड द टेबल इन द सिस्टम। समझ में आई केस सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव का कॉन्सेप्ट? तो आपको हर केस में, हर टेबल पे, हर ऑब्जेक्ट पे आपको उसी केस में लिखना पड़ेगा जिस केस में आपने बनाया था उस टाइम पे, उसी केस में लिखना पड़ेगा। समझ में आई? सेंसिटिव और केस इनसेंसिटिव का कॉन्सेप्ट। तो जो ये कॉलिजंस होते हैं, डेटा हम कैसे सेव कर रहे हैं, क्या है वो, उसके लिए यूज होते हैं, किस कंट्री का है उसके हिसाब से हम करते हैं। तो जैसे कभी आपसे पूछा गया, कहा गया कि आप डेटाबेस इंस्टॉल करो, तो आप उससे पूछोगे भैया कौन सा कॉलिजन पे इंस्टॉल करना है, आप नाम बताओ, कोई स्पेसिफिक कॉलिजन है? अगर कहता नहीं डिफॉल्ट पे कर दो, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, जिस 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 कंट्री का आपने वो खरीदा है, वो डिफॉल्ट पे आ जाता है। तो डिफॉल्ट जनरली लेटे नहीं है आजकल ये वाला, ठीक है? ठीक है, ठीक है, आगे चल रहा हूँ मैं। अंकित आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अब रिकवरी मॉडल क्या होते हैं, ये तीन तरह के रिकवरी मॉडल होते हैं, फुल, बल्क लोड और सिंपल। डेटाबेस को हम रिकवरी मॉडल पे सेट कर सकते हैं। इसका क्या पर्पज होता है, इसका यूज होता है कि अगर हमें डेटाबेस का जो ऑपरेशन है उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमारा डेटाबेस है उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं है, कभी कभी थोड़ा बहुत आता है, तो हम उसको सिंपल पे कर सकते हैं। क्यों? सिंपल पे करने के बाद डेटाबेस लॉग फाइल जो होती है वो जनरेट नहीं करती ज़्यादा, लॉग फाइल बड़ी नहीं बनाता, सारे ऑपरेशन वो लॉग फाइल में नहीं लिखता, ठीक है, लिख के ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तुरंत हटा देता है, लेकिन फुल में वो सारे ऑपरेशन लॉग फाइल पे लिखता है। तो फुल वाले केस में आप डेटा को पॉइंट इन टाइम के साथ रिकवर कर सकते हो। सपोज करो, क्योंकि फुल में आप ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप ले सकते हो, अगर डेटाबेस का मॉडल, रिकवरी मॉडल फुल पे सेट है तो आप उसका ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप ले सकते हो, और अगर वो सिंपल पे सेट है तो आप उसका ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप नहीं ले सकते। अभी के लिए इतना समझ लो, फिर जब हम बैकअप डिस्कस करेंगे देन विल गिव यू डिटेल कि पॉइंट इन टाइम क्या। वैसे मैंने नम्रता को एक क्लास में बताया था, आपको याद है नम्रता? क्या? फुल, बल्क लॉग, सिंपल, पॉइंट इन टाइम रिकवरी बताया था मैंने लास्ट टाइम आपको, एक बार मेरी आपसे क्लास बात ली थी मैंने आपकी। हाँ बताया था। तो ये सारी चीजें रिकवरी मॉडल का मतलब होता है कि हम उसकी रिकवरी कैसे करना चाहते हैं, रिकवरी मॉडल मतलब अगर फेल हो जाए डेटाबेस में कोई इश्यू हो जाए तो हम उसको कैसे रिकवर करेंगे, तो कौन सा मॉडल यूज करना है, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। अब इसमें स्टेट्स होती है, डेटाबेस की स्टेट क्या है, रीड ओनली है, रीड ओनली माने डेटाबेस केवल रीड कर सकते हो, अगर इसको आप चेंज करना चाहो तो रीड ओनली भी कर सकते हो। अगर हम रीड ओनली कर देते हैं डेटाबेस को तो हमें ऐसे दिखाई देगा, लॉक लग जाएगा, मतलब केवल रीड कर सकते हो, इसको कुछ राइट नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है, अगर हम इसका इसका रीड ओनली नहीं रखना है, स्टेट इसमें तीन चार स्टेट्स होती है, एक तो रीड ओनली होती है, तो रीड ओनली हमने हटा देख लिया, ठीक है, डेटाबेस स्टेट जो आ रही है ना नॉर्मल, इसमें तीन और होती हैं, इसमें भी इमरजेंसी, रिकवरिंग, रिकवरी पेंडिंग, ये सारी स्टेट डेटाबेस हेल्थ के हिसाब से आती है, डेटाबेस अगर हेल्थ है उसके बेसिस पर डिपेंड करता है, डेटाबेस ऑनलाइन है, डेटाबेस में रिकवरी कोई रिस्टोरेशन चल रहा है, या कई बार होता है डेटाबेस करप्ट हो जाता है मोड पे चला जाता है, कई बार डेटाबेस सस्पेक्ट मोड पे चला जाता है, तो ये वो वाली स्टेट्स है, अभी नॉर्मल है, मतलब ठीक है। इनक्रिप्शन अनेबल्ड यस और नो, अगर इनक्रिप्शन करके आप करना चाहो तो यूज कर सकते हो। मल्टी यूजर में क्या होता है, आप इसको चाहो तो अपने, मल्टी यूजर का मतलब कितने सारे यूजर एक्सेस कर सकते हो, एक यूजर या ज्यादा यूजर, मल्टी माने एक से ज्यादा, ठीक है, तो आप
तो सिंगल करोगे तो यहाँ पे देखो एक सिंगल यूजर का लिंक आ गया, आ गया। ये डेटाबेस को देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि ये डेटाबेस सिंगल यूजर मोड में या लिख के भी आ रहा है, प्लस ये डेटाबेस मल्टी यूजर में। ठीक है, अब ऑप्शंस में यही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं जो हमें प्लान करने होते हैं। तो इसको मैं फिर से मल्टी यूजर बना देता हूँ, इसको रीड ओनली और रीड राइट के केस में हमें रीड ओनली को फॉल्स रखना होता है अगर राइट ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, पेज वेरीफाई क्या होता है, पेज वेरीफाई माने इसमें भी दो तीन मैकेनिज्म होते हैं, टर्न पेज डिटेक्शन, टर्न पेज डिटेक्शन, नन। तो ये ऑप्शन होता है इसलिए जब आपका डेटाबेस राइट करता है, चेकसम चलाता है, उस केस में आता है, रिकवरी के केस में चलता है। तो जो डिटेल करेंगे तब बताएंगे। तो अभी हमें से कोई कहे कि डेटाबेस को रीड ओनली में ले जाओ, तो यू कैन जस्ट सिंपली राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ऑप्शन, रीड ओनली फॉल्स, रीड ओनली ट्रू, जो भी आपको करना है। ठीक है, डेटाबेस का रिकवरी मॉडल चेंज कर दो, गो टू द ऑप्शन चेंज द रिकवरी मॉडल व्हाट एवर योर रिक्वायरमेंट। कोई बोले कि नहीं डेटाबेस का कंटेंट, डेटाबेस को कंटेंटमेंट टाइप बना दो, इसका डेटाबेस का कंटेंटमेंट टाइप बना दो, तो यू कैन चेंज टू पार्शियल, जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। बाकी हमने इसमें चेंज ट्रैक कर सकते हो, परमिशंस वगैरह चेक कर सकते हो, मॉनिटरिंग भी लगा सकते हो, मिररिंग कर सकते हो डेटाबेस की, तो मिररिंग यहाँ से कॉन्फिगर होती है, यहाँ से कॉन्फिगर करना पड़ती है। ट्रांजेक्शन लॉक शिपिंग कॉन्फिगर कर सकते हो, और क्वेरी स्टोर, क्वेरी स्टोर में अगर जो भी क्वेरी आप चला रहे हो वो अपने पास एक डेटाबेस में अलग से स्टोर करता जाएगा उस क्वेरी को। ये ऑप्शन 2016 के बाद से आया है, उससे पहले नहीं था। ठीक है, तो ये डेटाबेस के ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए, तो हमें सिंगल यूजर मोड से मल्टी यूजर मोड लेकर जाना है। देखो अभी सिंगल में चल रहा है, इसको मल्टी यूजर कर, देखो मल्टी यूजर हो गया।